गुड मॉर्निंग एवरीबडी, दिस इज राकेश सर फ्रॉम आदर्श नगर अगापुर। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका भाई राकेश अगापुर, आपके अपने YouTube चैनल डियर आर के सर इंग्लिश गुरु में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा प्रोनंसिएशन ऑफ वोवेल्स का टॉपिक चल रहा है, जिसके चार वीडियोज यानी कि ए ई आई ओ के ऊपर दोस्तों मैं आपको वीडियोज उपलब्ध करा चुका हूँ। आज हम दोस्तों यूके प्रोनंसिएशन के इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, खास करके उन लोगों के लिए जो बिगिनर्स हैं और छोटे छोटे बच्चे जिन्हें इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है वीडियो। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यू का उच्चारण कि यू के बाद में कोई व्यंजन आए, सी का मतलब कॉन्सोनेंट, यानी कि यू के बाद में कोई व्यंजन आए या दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो। दोस्तों, दो व्यंजन के बीच में यू हो या यू के बाद में कोई व्यंजन आए तो आपको यू की साउंड आ निकालनी है। क्या निकालनी है दोस्तों? आ निकालनी है। उदाहरण के लिए दोस्तों देखो, सी और टी दोनों हमारे व्यंजन हैं, इनके बीच में यू आ रहा है तो इसको दोस्तों हम कट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कट, बी यू टी, बट, शक, बस, शक। और दोस्तों देखिए, यू पी अप, यू के बाद में सीधा कॉन्सोनेंट आ रहा है, दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे? अप, ऐसे अपर, अन। दोस्तों ये आपके एक प्रीपोजिशन होते हैं और अन आपका दोस्तों ये प्रीफिक्स होता है, यानी कि उपसर्ग होता है, शब्द के पहले जुड़ता है। और भी उदाहरण देखिए दोस्तों, बस, शक, शक का मतलब चूसना, दस यानी कि इस प्रकार, स्ट्रगल, संघर्ष, मस्ट, डस्ट, डस्ट, ट्रस्ट, हग, टब, कव, सच, जस्ट, गन, इस तरीके से दोस्तों और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे। तो आपको कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है कि जब यू के बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो या दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो तो यू की साउंड आपको आ निकालनी है। दोस्तों 90% आपको आ साउंड निकालनी है। आपको कुछ आपको बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है इसके आपको कुछ एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, अपवाद भी मिलेंगे, जिनको कि मैंने यहाँ पे स्टार लगा के कवर किया है। जैसे पुश यानी कि धक्का देना, पुट यानी डालना, पुल यानी खींचना, बुल यानी शार, फुल, फुल दोस्तों ये फुल आपका एक सफिक्स के रूप में काम करता है, प्रत्यय के रूप में काम करता है। दोस्तों एक चीज आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जैसे ही ये किसी शब्द के अंत में जुड़ता है तो इसके अंत से एक एल हट जाता है। जैसे मान लीजिए मैं इसको हार्म के पीछे जोड़ता हूँ तो ये बन जाएगा दोस्तों हार्मफुल, हार्मफुल। और दोस्तों एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट बता दूं कि जब अंत में एफ यू एल एक सफिक्स के रूप में होता है तो दोस्तों इसको फुल प्रोनाउंस नहीं करते, इसको फल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फल, हार्मफुल, हार्मफुल, ना कि हार्मफुल। हम इंडियन लोग इसको हार्मफुली बोलेंगे, जबकि यूएस और यूके वाले दोस्तों इसको फल पढ़ेंगे, हार्मफुल। हम बोलते हैं ब्यूटीफुल, वो बोलते हैं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। इस तरीके से दोस्तों बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ये दोस्तों आपको फोनेटिक सिंबल वाले ट्रांसक्रिप्शन का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों कवर करूंगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जब यू के बाद में कोई कॉन्सोनेंट हो या दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो और अंत में दोस्तों ई हो। देखो यही कॉन्सेप्ट मैंने दोहराया है, सिर्फ अंत में दोस्तों मैंने यहाँ पे ई जोड़ा है, तो यहाँ इस यू की एक्चुअल साउंड निकलेगी दोस्तों, यानी कि यू को हम यू ही प्रोनाउंस करेंगे। दोस्तों देखिए, सी यू टी को हम कट पढ़ रहे थे लेकिन जैसे ही हम इसके अंत में ई जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा आपका क्यूट। कट का क्या बन जाएगा? क्यूट। दोस्तों ई जोड़ने से ही इसका जो एक्चुअल साउंड है वो निकला, क्यूट। ऐसे ही दोस्तों एच यू जी, हग, ई जोड़ते ही ह्यूज, ह्यूज। हग का मतलब होता है बाहों में भरना, यूज का मतलब होता है दोस्तों विशाल, कट का मतलब काटना, क्यूट का मतलब दोस्तों सुंदर, अति सुंदर, यूज, फ्यूज, फ्लूट। दोस्तों सब में क्या कॉन्सेप्ट है कि यू, देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू आ रहा है और अंत में ई आ रहा है,
अंत में आने वाले ई को तो आपको साइलेंट रखना है। कैसा रखना है? साइलेंट रखना है। और इस यू के साउंड आपको यू ही निकालनी है, ऐसे फ्लूट। फ्लूट का मतलब होता है दोस्तों बांसुरी। म्यूट, म्यूट यानी कि साइलेंट कर देना आवाज को, उसको बोलते हैं म्यूट। म्यूल, ट्रियूस, ट्रियूस, ट्रियूस का मतलब होता है दोस्तों युद्ध विराम संधि को हम ट्रियूस बोलते हैं। स्प्रूस, स्प्रूस का मतलब होता है दोस्तों सजाना, श्रृंगार करना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों स्प्रूस। तो दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में यू हो और अंत में ई आए तो अंत में आने वाले ई को हमें साइलेंट रखना है और इस यू की साउंड आपको यू ही निकालनी है। अब भले ही दोस्तों यू के बाद में कोई कॉन्सोनेंट भी हो सकता है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में हो सकता है, जैसे कि दोस्तों मैं यूज की बात करूं तो यू के सीधा आपको बाद में एस मिला, अंत में ई मिला, तो इसको दोस्तों हमने यूज पढ़ा। क्या पढ़ा? यूज पढ़ा। तो इस तरीके से दोस्तों ये दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपके क्लियर हुए होंगे। तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि जब यू के बाद में आर आए, क्या कहा दोस्तों मैंने कि जब यू के बाद में आर आए तो आपको यू की साउंड आ निकालनी है, अब पढ़ना है उसको। क्या पढ़ना है? अ। उदाहरण देखिए दोस्तों, एफ यू आर, यू के बाद में आर आ रहा है, इसको बोलेंगे हम फर। फर इंग्लिश में इसको दोस्तों आर को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको फ बोलेंगे, फर। ऐसे ही हम बोलते हैं चार्ज, वो चार्ज नहीं बोलते, चार्ज, चार्ज। इस तरीके से दोस्तों तो आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि यू के बाद में आने वाला जो आर होगा तब यू को हमें आ साउंड निकालनी है। क्या निकालनी है? आ। शर्ट, ऐसे हर्ट, हर्डल रेस यानी कि बाधा दौड़, वर्डन यानी कि बोझ, टर्न, वर्न, ऐसे नर्स, नर्चर, नर्चर यानी कि पालन पोषण करना, फर्दर यानी कि आगे, कार्ड यानी कि दही, कर, बस्ट, टर्बन, मर्डर, नर्सरी। इस तरीके से और भी एग्जांपल आपको मिलेंगे दोस्तों। टर्बन का मतलब आप सभी जानते हो पगड़ी होता है। तो कॉन्सेप्ट क्या आया कि यू के बाद में अगर आर आए तो आपको यू की साउंड आ निकालनी है दोस्तों। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आगे मैं डिस्कस करूंगा, बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों अगला कॉन्सेप्ट देखिए कि जब यू के बाद में आ रही आए, क्या है दोस्तों? यू के बाद में आ रही, इससे पहले मैंने बताया कि यू के बाद में आ रहा है तो आपको आ साउंड निकालनी है। क्या साउंड निकालनी है? यू की आ साउंड निकालनी है। यू के बाद में आ रही आए तो हम इंडियन लोग इसको यो पढ़ते हैं, जैसे ये लिखा है इसको पढ़ते हैं हम इंडियन लोग प्योर, प्योर। लेकिन इसको रियल इंग्लिश के हिसाब से देखो इसको पढ़ेंगे हम पुअर, पुअर, पुअर। जैसे पुअर बोलते हैं ना, इस तरीके से पुअर में दोनों लिख दिया दोस्तों, इंडियन लोगों के हिसाब से भी लिख दिया है, जो ब्रिटिश इंग्लिश वाले होते हैं उनके हिसाब से भी लिख दिया है। इसको बोलेंगे पुअर। जैसे प्योर, हम इंडियन लोग बोलेंगे प्योर, वो बोलेंगे पुअर। ऐसे श्योर, क्योर, सिक्योर, मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है दोस्तों खाद, फेल्योर, मैच्योर। इस तरीके से दोस्तों ये आपको मैंने सिखाया कि यू के बाद में जब आर ही आता है तो आपको यू के साउंड इंडियन इंग्लिश के हिसाब से हम यू निकालेंगे, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश हम पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से इसको ऊआ पढ़ेंगे, ऊआ। जब आपको दोस्तों फोनेटिक सिंबल का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको इन सारी चीजों को क्लियर करूंगा। अगला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों कि जब टी यू के बाद में आर ही आए, टी यू के बाद में क्या है दोस्तों? आर ही आए तो आपको टी यू को च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च। जैसे देखो दोस्तों, फ्यूचर, फ्यूचर, नेचर, फर्नीचर, फीचर, पिक्चर, आर्मेचर, क्रिएचर, पास्चर। पास्चर का मतलब होता है दोस्तों चारागाह, चारागाह, टॉर्चर, मॉइस्चर। तो दोस्तों क्या देखा कि टी यू के बाद में आर ही आ रहा है और हम टी यू को क्या पढ़ रहे हैं? चा पढ़ रहे हैं दोस्तों। क्या पढ़ रहे हैं? चा पढ़ रहे हैं। इसका एक एक्सेप्शन दोस्तों जो मैंने आपको ऊपर चर्चा की है, मैच्योर, इसको मैच्योर बोलते हैं ना कि मेचर, मैच्योर, मैच्योर होता है दोस्तों, ये इसका एक्सेप्शन हो जाएगा। इसको मैं स्टार लगा के लिख देता हूँ, एम ए टी यू आर ई, इसको हम क्या पढ़ते हैं? मैच्योर पढ़ते हैं, ना कि इसको मेचर। तो दोस्तों कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आया होगा
कि टीयू के बाद में आरी आए तो आपको टीयू को च पढ़ना है। क्या पढ़ना है? च पढ़ना है। एग्जाम्पल आपके सामने मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों कि जब यू के बाद में एन या आर आए और उसके बाद में कोई वोवेल्स यानी कि स्वर ए ई आई ओ यू में से आए तो आपको इस यू की साउंड यू ही निकालनी है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो यू वर्ड होगा आपका स्टार्टिंग में आएगा। कहाँ पे आएगा? स्टार्टिंग में आएगा दोस्तों। जैसे देखिए यू के बाद में आपका एन आ रहा है और उसके बाद में आई यहाँ पे स्वर है तो इसको हम पढ़ेंगे यूनिट। ऐसे ही यूनिक, यूनिक का मतलब होता है दोस्तों अद्वितीय। यूनिफॉर्म, यूरिनेशन, यूरिनेशन का मतलब होता है दोस्तों मूत्र विसर्जन। यूनियन, यूरिनरी यानी कि मूत्र मार्ग। यूनेनिमस दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं कि यूएन यहाँ पे इसमें एक उपसर्ग लगा है, प्रीफिक्स लगा है, लेकिन गलत पढ़ते हैं इसको, ध्यान रखना है इसको यूनेनिमस पढ़ेंगे। इसका मतलब होता है सर्वसम्मति। यूनेनिमस का मतलब क्या होता है दोस्तों? सर्वसम्मति होता है यूनेनिमस, ना कि अनेनिमस। ये दोस्तों आर्टिकल्स में ये आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट के रूप में ये क्वेश्चन कई बार आया है और बच्चे इसमें अन लगा के ए लगा एन लगाते हैं, यूएन के हिसाब से वो पढ़ते हैं कि आ साउंड दे रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। या साउंड देता है इससे पहले हम ए लगाते हैं। यूनिवर्सिटी, यूनिशन, यूनिवर्स, यूनिफाई, यूनिटी, यूनिकॉर्न, यूनिलेटरल यानी कि एक पक्षीय। यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है? एक पक्षीय दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट हुए दोस्तों। अब दोस्तों इन वोवेल्स का मैं आपको एक निचोड़ यानी कि इनका सबका निष्कर्ष मैं आपको दोस्तों 2 मिनट डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों देखिए मैंने एक तरफ लिखा है शॉर्ट साउंड, दूसरी तरफ लिखा है दोस्तों लॉन्ग साउंड। लॉन्ग साउंड को ही दोस्तों हम एक्चुअल साउंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्चुअल साउंड कहते हैं। जैसा कि आपके ये 5 वोवेल्स होते हैं ए ई आई ओ और यू, जैसे इसको ए पढ़ते हैं, इसको ई आई ओ यू, तो दोस्तों इनकी एक्चुअल साउंड कब निकलेगी, कैसे निकलेगी? इस एक्चुअल साउंड को ही मैंने अभी आपके सामने लॉन्ग साउंड कहा। क्या कहा? लॉन्ग साउंड कहा। दोस्तों देखो आर ए टी रेड यहाँ पे की शॉर्ट साउंड निकली है, जैसे ही इसके अंत में हमने ई जोड़ा तो इसकी रियल साउंड निकली, इसको बोलेंगे हम रेट। ये रेट, रेट, हेट, हेट। तो दोस्तों यहाँ पे ए की एक्चुअल साउंड आपको सुनने को मिली, यानी कि इस ए को हम क्या पढ़ेंगे? ए पढ़ेंगे कब? जब अंत में ई जुड़ जाएगा। जब दोस्तों ध्यान रखना कि जब ए के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट हो और अंत में ई हो तो इस ए की साउंड आपको ए निकालनी है और आने वाले ई की साउंड आपको साइलेंट रखनी है। कैसी रखनी है? साइलेंट रखनी है। ऐसे ही इन सब के अंत में दोस्तों ई जोड़ने पर इनकी रियल साउंड निकलेगी। जैसे जी ई एन जैन, अंत में ई जोड़ा तो बन गया जीन। पी ई टी पैट, पी ई टी ई पीट। के आई टी किट, के आई टी ई काइट। सिट, साइट। रॉप, रोप। रॉड, रोड। टब, ट्यूब। कट, क्यूट। हग, ह्यूज। तो दोस्तों यहाँ पे ई लगाने पर ही आपको पता है कि इसकी रियल साउंड यानी कि लॉन्ग साउंड आपको सुनने को मिल रही है। तो दोस्तों ये आपका एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आपको अप्लाई करना है और धड़ल्ले से दोस्तों आपको इंग्लिश पढ़नी है। तो दोस्तों ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।